हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हम सबसे ऊंचे नेता, मेरे मित्र दुष्यंत चौटाला जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय सांसदगण, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भावी विधायक सभी मेरे साथी और विशाल संख्या में उत्साह से भरे हुए सभी मेरे प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों, वोटिंग से पहले और चार दिन पहले भाजपा के पक्ष में ऐसा माहौल कई लोगों की नींद उड़ा रहा है। कल पूर्वी दिल्ली में और आज यहां द्वारका में ये साफ हो गया है कि 11 फरवरी को क्या परिणाम आने वाले हैं। दिल्ली को बदलने के लिए राष्ट्रहित के भाव को बुलंद रखने के लिए आपके इस जोश और जुनून को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, दिल्ली के ये चुनाव इस दशक का पहला चुनाव है। ये दशक भारत का दशक होने वाला है और भारत की प्रगति उसके आज लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगी। आज एक तरफ इन फैसलों को लेने वाला पक्ष है और दूसरी तरफ फैसलों के खिलाफ खड़ा विपक्ष है। आज देश की राजधानी को इस दशक का, 2030 तक का दिल्ली का रास्ता दिखाना है। ये काम आप सभी मेरे दिल्ली के मतदाता भाइयों बहनों 8 फरवरी को करना है। दिल्ली और देश के हित में इस बार एकजुट, एक स्वर में पूरी ताकत के साथ हमें खड़ा होना है। भाइयों और बहनों, दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली को रोड़े अटकाने वाली और नफरत फैलाने वाली राजनीति से मुक्ति चाहिए। दिल्ली को उलझाने वाली नहीं, सुलझाने वाली राजनीति चाहिए। दिल्ली को विकास की योजनाएं रोकने वाला नहीं, सबका साथ सबका विकास पर
विश्वास करने वाला नेतृत्व चाहिए। मेरे दिल्ली के प्यारे भाइयों बहनों, आप सोचिए, जो गरीब का हित चाहेगा, जिसके दिल में गरीब के लिए दर्द होगा, क्या वो गरीब को सरकार की योजनाओं से वंचित करेगा क्या? कभी करेगा क्या? सोच भी सकता है कोई? कितना ही राजनीतिक विरोध हो, लेकिन गरीबों की भलाई में कोई रोड़े अटकाएगा क्या? लेकिन दिल्ली में तो 5 साल से मैं देख रहा हूं, हर दिन गरीबों की भलाई के हर काम में रोड़े अटकाना, यही चल रहा है। केंद्र सरकार की कितनी ही योजनाओं को लागू करने से पहले यहां मना कर दिया गया है। अब 11 फरवरी के बाद आपको शेम शेम नहीं बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीबों का क्या गुनाह है जो उन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलता? आयुष्मान भारत योजना में एक विशेषता है, इतने में आपको समझ आएगा कितना लाभ है। मुद्दा 5 लाख का नहीं है। अगर दिल्ली का कोई नागरिक जो इस योजना का लाभार्थी है, वो किसी काम से ग्वालियर गया, भोपाल गया, सूरत गया, नागपुर गया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया, और अचानक वहां बीमार हो गया, तो मोहल्ला क्लिनिक वहां जाएगा क्या? जाएगा क्या? लेकिन ये आयुष्मान भारत योजना अगर ये दिल्ली में लागू होती और दिल्ली का कोई लाभार्थी वहां अपने काम से गया होता और वहां उसको गंभीर से गंभीर मानो हार्ट अटैक भी आया होता, तो वहां की अस्पताल में भी उस योजना के तहत मुफ्त में उपचार हो जाता। हम नहीं चाहते कोई बीमार हो, लेकिन मान लो एकांत की भी जिंदगी बच जाती तो मन को कितना संतोष होता भाइयों। लेकिन यहां एक बेदर्द, एक ऐसी सरकार बैठी है जिसे आपकी परवाह नहीं है, आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है। दिल्ली के बेघर लोगों का क्या अपराध है जो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर नहीं मिलता? आप मुझे बताइए भाइयों, आजादी के 70 साल के बाद गरीब से गरीब को भी रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
मिलना चाहिए, पक्का घर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसका अपना घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पक्की छत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए। ऐसा कोई दल हो सकता है क्या, ऐसा कोई नेता हो सकता है क्या कि जो इस योजना में भी रोड़े अटका दे? अरविंद केजरीवाल, कितनी विकृत मानसिकता होगी, पल पल दिमाग के हर कोने में कैसी गंदी राजनीति भरी पड़ी होगी जो गरीबों के प्रति इतना नकारात्मक विचार रखती है। दिल्ली के किसानों का क्या कसूर है जो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें नहीं मिलता, उनके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं होते? दिल्ली के डेली कम्यूटर, उनका क्या कसूर है जो मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार को 2 साल तक मंजूरी नहीं दी गई? आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में सिर्फ स्वार्थ की, नफरत की राजनीति की गई है। क्या दिल्ली के लोगों ने जब 2015 में अपना वोट दिया था तो क्या किसी दिल्लीवासी ने ऐसी उम्मीद की थी क्या? ऐसी उम्मीद की थी क्या? जरा जोर से दूर दूर तक के लोग जवाब दीजिए, किसी ने भी ऐसी उम्मीद की थी क्या? साथियों, देश की राजधानी दिल्ली का विकास 21वीं सदी की अपेक्षाओं, 21वीं सदी की आकांक्षाओं, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के मुताबिक होना पूरे देश के लिए आवश्यक है, दिल्ली वासियों के लिए आवश्यक है। ये तभी संभव हो सकता है जब नकारात्मकता की राजनीति खत्म हो, जब राजनीति के मूल में देशवासियों का हित हो, दिल्लीवासियों का हित हो, राष्ट्र का हित हो। भाइयों बहनों, ये काम केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार भली भांति कर रही है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने जिस स्पीड से, जिस स्केल से काम किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। स्वतंत्रता के बाद से देश में इतनी तेज गति से कभी काम नहीं हुआ है। आज आयुष्मान भारत योजना जितने लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, वो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की कुल जनसंख्या के बराबर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमने जितने गरीबों के बैंक अकाउंट खोले हैं, उनकी संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है।
मुद्रा योजना के तहत हमारी सरकार ने कम ब्याज पर जितने ऋण दिए हैं वो ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। अपनी बीमा सुरक्षा योजनाओं से हम जितने गरीबों को सुरक्षा कवच दे रहे हैं उसकी संख्या रूस की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने जितने शौचालय बनाए हैं उसकी संख्या मिस्र और इजिप्त की कुल आबादी से ज्यादा है। उज्ज्वला योजना के तहत हमने गरीब माताओं बहनों को जितने मुफ्त कनेक्शन दिए हैं वो जर्मनी की जनसंख्या के बराबर है। सौभाग्य योजना के तहत हमने जितने घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है वो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने गरीबों के लिए जितने घर बनवाए हैं वो श्रीलंका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। साथियों, भारत जैसे बड़े देश में, विशाल देश में इसी गति से काम हो सकता है। और मैंने आज ये तुलनात्मक बात इसलिए रखी है कि जब आंकड़ों में बोलते हैं तो ऐसे ही आंकड़े आते हैं चले जाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन जब सोचते हैं कि एक एक काम दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा हुआ है। आप कल्पना कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली को भी काम की यही गति की जरूरत है। दोस्तों बताइए, है कि नहीं है? इसी गति से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने बड़े पैमाने पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने वाली पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी गति से काम हो तो दिल्ली की अनेक समस्याएं सुलझाई जा सकती है। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय भाजपा पर विश्वास दिखाया। अब इसी विश्वास के कारण ही दिल्ली वाले आज सीना तान करके कह रहे हैं, देश बदला, अब देश बदला, देश बदला, देश बदला, अब दिल्ली बदलेंगे, देश बदला, अब दिल्ली बदलेंगे। साथियों, दिल्ली को ऐसी सरकार भी चाहिए जो समय आने पर देश के पक्ष को मजबूत करे, हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़ी हो। दिल्ली को ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो आतंकी हमलों के समय में भारत के पक्ष को कमजोर करे, जो अपने बयानों से दुश्मन को भारत पर वार करने का मौका दे दे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों के बाद किस तरह के बयान आए, आप मुझे, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय
यहां की सरकार में बैठे लोगों ने जो आज आपसे वोट मांगे निकले हैं, उन्होंने कैसे बयान दिए थे आपको याद है ना? आपको याद है ना? वो गुस्सा है कि नहीं है? वो गुस्सा है कि नहीं है? हर दिल्लीवासी में वो गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो गुस्सा है तो 8 तारीख को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये सजा देने का काम आप करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरी ताकत से करेंगे। मेरा दिल्लीवासियों पर भरोसा है। साथियों, दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए, दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो CAA आर्टिकल 370 जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम फैसलों पर देश का साथ देने वाला, अपनी राजनीति के लिए, तुष्टिकरण के लिए लोगों को भड़काने वाले भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोग दिल्ली का हित कर सकेंगे क्या? दिल्ली का भला कर सकेंगे क्या? ये लोग बाटला हाउस के आतंकियों के लिए रो सकते हैं, उनका साथ देने के लिए सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून बनने के बाद देश और दिल्ली के लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों से झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है। सब कुछ समझ रही है। भाइयों बहनों, मेरा जो दिल्ली वासियों पर भरोसा है कि सारी बारीकियों को देख रही है, बारीकियों को समझ रही है, आप मेरी बात से सहमत हैं? पूरी तरह सहमत है। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति, नफरत की राजनीति, गलत इरादों और गलत नीयत के साथ दिल्ली का विकास कभी नहीं किया जा सकता, न भी हो सकता है। नहीं, दिल्ली का विकास हर रोज नए नए बहानों और कोसने से हो सकता है। विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, खुद को सेवक मानकर गरीब की सेवा करने की भावना, अपने संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला चाहिए। दोस्तों, साथियों, अगर बहानों और कोसने से ही काम चलता तो क्या हमारी सरकार वो कड़े और बड़े फैसले ले पाती जो बीते 5 साल में एक के बाद एक मजबूत कदम हमने उठाए हैं? वो उठा पाते क्या? दिल्ली की, मेरे दिल्ली के लोग ये भली भांति जानते हैं, दिल्ली के साथ क्या हुआ है जो दिल्ली वाले जानते हैं, बाहर वाले जान नहीं सकते हैं। दिल्ली की 1700 से अधिक अवैध कॉलोनियों में 40 लाख लोगों को घरों के अधिकार का ही
विषय दिल्ली कैसे भूल सकता है। यहां जो शासन में है वो तो कोशिश में थे कि किसी तरह और एक दो साल के लिए ये मामला टला दिया जाए, टाल दिया जाए, रोड़े अटकाओ, झूठ फैलाओ, आशंकाएं भर दो, लेकिन ये मोदी है, ये भाजपा है, ये भाजपा का दम है। भाजपा ने इच्छा शक्ति दिखाई और आज 40 लाख दिल्ली वालों को अपने मकान, अपनी दुकान, उसका हक मिल गया। मुझे बताया गया है कि लाखों बहन भाइयों ने डीडीए के पोर्टल पर इसके लिए एप्लीकेशन भी डाल दिए हैं। भाइयों और बहनों, कई दशकों से दिल्ली के हर चुनाव में अनधिकृत कॉलोनियों में घर के अधिकार का मुद्दा सबसे प्रमुख होता था। हर चुनाव में सुनाई देता था कि नहीं सुनाई देता था, वादे किए जाते थे कि नहीं किए जाते थे, अनधिकृत कॉलोनी के लोग भी आशा के साथ वोट डाल देते थे कि नहीं डालते थे, भरोसा करके सरकारें बनाते थे कि नहीं बनाते थे, उनका काम होता था क्या? किसी ने समाधान किया क्या? समाधान किसने किया, किसने किया? ये 40 लाख लोगों को घर का अधिकार किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया? आपका जवाब गलत है, मोदी ने नहीं दिया, ये आपके एक वोट ने दिया जिसने 7 एमपी को जिताया था, ये आपके एक वोट ने दिया जिसने 7 एमपी को जिताया था, जिसके कारण पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और जिसके प्रयासों से आज 40 लाख लोगों को अपने घर का हक मिल गया। दोस्तों, ये मोदी के कारण नहीं, आपके वोट के कारण हो रहा है, आपके वोट की ताकत के कारण हो रहा है। इस चुनाव में भी एक बार कमल के निशान पर बटन दिखा दबा के देखो, आपके सपने पूरे होने लगेंगे। साथियों, दिल्ली भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि इन तमाम कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार बनने के तुरंत बाद अलग से उनका एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को लाख लाख बधाई देता हूं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोचा है, उनके विजन के लिए बधाई देता हूं। ये बोर्ड इन 1700 कॉलोनियों में जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम करेगा। और जब दिल्ली के भाजपा के लोग इतनी बड़े संकल्प लेते हैं तो मैं भी तो आजकल दिल्ली की रोटी खाता हूं,
क्या मैं पीछे रह सकता हूं क्या? मैं भी साथ खड़ा रहूंगा कि नहीं खड़ा रहूंगा? इस काम को पूरा करने के लिए मैं पूरी जिम्मेवारी से आपके साथ जुटूंगा कि नहीं जुटूंगा? आपका नमक खाया है, मैं करके दिखाऊंगा दोस्तों। साथियों, दिल्ली में 21वीं सदी का आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट का आधुनिक सिस्टम हो, यहां के लोगों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ मिले, यहां के लोगों के पास सारी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हो, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को सिद्ध करते हैं, यही हमारी भाजपा की पहचान है, यही भाजपा सरकार की पहचान है। भाइयों और बहनों, याद करिए, दिल्ली में ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसका काम कितने वर्षों से चल रहा था, लोग इंतजार करते करते थक गए थे कि न जाने कब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम पूरा होगा। वर्षों से अटका हुआ ये काम पूरा किया, दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद सारे अवरोधों को दूर करते हुए रिकॉर्ड समय में ये दोनों पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं। इसके कारण आज करीब 40,000 ट्रक हर रोज जो पहले दिल्ली के अंदर से गुजरते थे, वो आज दिल्ली के बाहर बाहर निकल जाते हैं। सोचिए, दिल्ली में आने वाला ट्रैफिक और प्रदूषण करने में, प्रदूषण को कम करने में इस व्यवस्था ने, इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने कितनी बड़ी मदद मिली है। इसी तरह अक्षरधाम मयूर विहार के पास जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम हुआ है, 16 लेन की सड़क बनी है, उसने दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वालों को बड़ी राहत दी है। यही नहीं, इस समय रैपिड रेल सिस्टम पर भी तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली और मेरठ आने जाने में घंटे सवा घंटे से ज्यादा न लगे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। रैपिड रेल सिस्टम के लिए तो इस बार बजट में करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथियों, दिल्ली मेट्रो से हमारे सबके आदरणीय नेता अटल जी का नाम जुड़ा हुआ है। अटल जी के बहुत प्रयासों के बाद ही दिल्ली में मेट्रो शुरू हो पाई थी। अब हमारी सरकार का प्रयास दिल्ली में मेट्रो के विस्तार को और बढ़ाने का है। बीते 5 वर्ष में करीब 125 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें और 80 किलोमीटर से अधिक के आरआरटीएस स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, इतिहास में दिल्ली का बहुत अहम स्थान है। दिल्ली और सुंदर बने, यहां के लोगों को सुरक्षित
और स्वच्छ वातावरण मिले, इस ओर हमारा प्रयास है। यमुना को स्वच्छ बनाने से जुड़ी परियोजनाओं के साथ ही हमारी सरकार यमुना रिवर फ्रंट पर भी काम कर रही है। ये रिवर फ्रंट 21वीं सदी के दिल्ली की शान बनेगा, ये मेरे शब्द लिख के रखिए। ये दिल्ली के लोगों के लिए नया आइकॉनिक स्पॉट ही नहीं होगा, बल्कि ग्रीन कॉरिडोर का लंग ऑफ द सिटी इसका भी काम करेगा। दिल्ली के लिए एक नया फेफड़ा, ये काम ये यमुना रिवर फ्रंट से होने वाला है। भाइयों और बहनों, इंडिया गेट हो, लाल किला हो, देश की संसद हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, इन सभी की भव्यता को बढ़ाया गया है। एक समय था जब लाल किले तक लोग 15 अगस्त को या फिर बाहर से आने वाले अपने दोस्त मित्रों को घुमाने ही ले जाते थे। अब वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित क्रांति मंदिर म्यूजियम का भी निर्माण हुआ है। इसके साथ ही अब लाल किले में बहुत ही भव्य भारत पर्व उसका भी आयोजन होता है। ये जो 26 जनवरी को देश भर से खूबसूरत झांकियां निकलती यहां आती है दिल्ली में, और एक दिन के बाद पूरा हो जाता है, हमने बदल कर दिया उसे, कुछ दिन लोगों लिए लाल किले में रखी जाती है और उसको पूरे दिल्ली के लोग आकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश और लोगों तक पहुंचता है, छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार भी चलता है। भाइयों और बहनों, पुरानी धरोहरों में नयापन लाने के साथ ही नई धरोहरों को भी विकसित किया जा रहा है। इंडिया गेट के पास ही भव्य नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का काम भी हमने किया है। दोस्तों, यहां जो सरकार में उच्च पद पर बैठे हुए हैं, इन्होंने पुलिस के लिए कैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था याद है ना? पुलिस के लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया था याद है ना? जिस पुलिस में ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग नेतृत्व करने के लिए निकलते हैं, उनको ये पता नहीं है कि देश आजाद होने के बाद हम सामान्य नागरिकों की सेवा करने में, सुरक्षा करने में इस देश के 33,000 पुलिस के जवानों ने शहादत मोल ली है। 33,000 पुलिसों का ये बलिदान, उस पुलिस को यहां के नेता कैसी भाषा में बोलते थे याद है ना? याद है ना? भाइयों बहनों, एक तरफ वो संस्कार है, वो सोच है, दूसरी तरफ हमारे संस्कार है, हमारी सोच है। हमने दिल्ली में ही नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण करके गौरव से उनके इज्जत देने का काम किया, उनके बलिदान को नमन किया है। सुंदर नर्सरी हो या फिर 12 एकड़ में फैला दीनदयाल उपाध्याय पार्क, आज दिल्ली में पर्यटकों के ये पसंदीदा स्थान बनते जा रहे हैं। यहां द्वारका में दो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक भारत वंदना पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है। देश जब आजादी के
75 वर्ष 2022 में मनाएगा तब तक ये पार्क तैयार हो जाएगा। इस पार्क में पूरे देश की कला, संस्कृति, खान पान का अनुभव यहां आने वाला पर्यटक कर पाएगा। और ये पर्यटक जब आता है ना, तब वो धन भी खर्च करता है, इकोनॉमी को भी गति देता है, इस पूरे क्षेत्र के लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध उसमें है। इसी तरह द्वारका में ही एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। आप कल्पना कीजिए, जब एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनता है, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को वहां आने का कोई न कोई कारण बनता है। जहां दुनिया भर के लोगों को बिजनेस के लिए, एग्जीबिशन के लिए सुविधा मिलने वाली है। इन तमाम कदमों से यहां दिल्ली की सुंदरता तो बढ़ी रही है, युवाओं के लिए रोजगार का निर्माण भी हो रहा है। साथियों, ऐसे बड़े काम तभी हो सकते हैं जब स्वार्थ की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति की जाती है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि दिल्ली के हर जरूरतमंद के साथ खड़ी हो, उसका साथी बनकर काम करे। भाइयों और बहनों, बीते 4-5 सालों में दिल्ली की 80,000 गरीब महिलाओं को, मैं दिल्ली का आंकड़ा बता रहा हूं, 80,000 गरीब महिलाओं को हमारी सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। उजाला योजना के तहत बांटे गए एलईडी बल्ब की वजह से अब हर घर में बिजली की खपत कम हुई है। इससे करीब करीब 700 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों का सालाना बच रहा है। इतना ही नहीं, अलग अलग योजनाओं के तहत बीते 4-5 वर्षों में केंद्र सरकार ने सीधे दिल्ली के लोगों के बैंक खातों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 10,000 करोड़ रुपए, इसमें से 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली के लोगों को सस्ती गैस के लिए दिए गए हैं। दिल्ली के बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को लगभग 450 करोड़ रुपया सीधे उनके बैंक खाते में दिए गए हैं। सरकार के इन प्रयासों का लाभ यहां के गरीबों को, मध्यम वर्ग को, टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को, घरों में काम करने वाले हमारे भाई बहनों को, सभी को मिला है। साथियों, गरीब को सशक्त करना, गरीब की चिंता दूर करना, मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहना हमारी सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है। हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में कभी चर्चा नहीं होती। ये हमारे वो भाई बहनों हैं जो घरों में झाड़ू बर्तन करते हैं, कपड़े धोते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, सड़कों में रेहड़ी ठेलों पर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं। इतने सालों तक किसी सरकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि बुढ़ापे में या किसी हादसे की स्थिति में क्या करते हो, कैसे जीवन बिताते हो। ये हमारी ही सरकार है जिसने ऐसे साथियों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की नियमित पेंशन की सुविधा की शुरुआत की है। यही नहीं, आज किसानों को, खेत मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को भी 3,000 रुपए तक मासिक पेंशन देने की योजना चल रही है।
पेंशन ही नहीं, दो दो लाख रुपए का दुर्घटना और जीवन बीमा भी ऐसे परिवारों को सुनिश्चित किया गया है। ऐसे निर्णय ही एक संवेदनशील और संगठित समाज के संस्कार मजबूत करता है। ऐसी योजनाएं ही दिल्ली और देश के हर नागरिक को ये भरोसा देती है कि देश मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। साथियों, हर भारतवासी, हर दिल्लीवासी के जीवन को आसान बनाना ये हमारी प्राथमिकता रही है। आज एक देश एक सुविधा की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक देश एक राशन कार्ड एक ऐसी व्यवस्था है जिसका दिल्ली के गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। अक्सर गरीब परिवार रोजी रोटी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन होता यह था कि उनको हर राज्य में नया राशन कार्ड बनवाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें तमाम परेशानियां उठानी पड़ती थी। 4-6 महीने ऐसे ही बीत जाते थे। यहां दिल्ली में भी ऐसा ही होता रहा है। यहां राशन कार्ड बनवाने को लेकर कैसी कैसी समस्याएं थी, उन समस्याओं की बात मैं करना नहीं चाहता हूं। आप लोग भलीभांति परिचित हैं। बीते 5 सालों में आए दिन इसको लेकर खबरें चलती आई है। अब इस परेशानी को समाप्त करने के लिए एक देश एक राशन कार्ड इसकी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस व्यवस्था के बाद अब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली के उन गरीबों को भी मिलेगा जो दूसरे राज्यों से यहां रोजी रोटी के लिए आते हैं। साथियों, एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी ने भी सामान्य जरूरत की लगभग 99% चीजों को, 99% चीजों को उसका दाम कम किया है। वरना पहले जिस तरह महंगाई बढ़ रही थी उनकी रसोई का बजट और ज्यादा बढ़ गया होता। हमने इसे काबू में करने का काम किया। ऐसे ही सरकार ने फास्टैग कार्ड की सुविधा भी शुरू की है। इससे हाईवे पर टोल प्लाजा में जो जाम लगता था वो कम हो रहा है। इसका लाभ दिल्ली को भी मिल रहा है। हम एक देश एक कार्ड की व्यवस्था की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिसमें मेट्रो से लेकर शॉपिंग तक का एक ही कार्ड होगा। साथियों, जब सही मायने में व्यवस्था का परिवर्तन का जज्बा मन में होता है तो बड़े संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। आपने इस बजट में निर्मला जी को सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से देश के शैक्षणिक संस्थानों में बेटियों के नामांकन का अनुपात अब लड़कों से भी अधिक हो गया है। मैं दिल्ली बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं, दिल्ली बीजेपी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतरीन संकल्प लिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी को साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को और मजबूत करने वाला है। इसके अलावा परिवार की पहली 2 लड़कियों को 21 साल की आयु में 2 लाख रुपए मिले, ये संकल्प भी
केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना को विस्तार देगा। साथियों, आपने बीते महीनों में फिर ये अनुभव किया है कि भाजपा जब कोई संकल्प लेती है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करती है। हम आखिरी 6 महीने का इंतजार नहीं करते कि 6 महीने जब चुनाव के बाकी हो तभी सब शुरू करो ताकि चुनाव जीत जाए। हम ऐसा नहीं करते, हम शुरू में ही काम शुरू कर देते। देखा ना कैसे बढ़ रहा है। हमारे काम को गिनते गिनते लोग थक जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए, अराजकता और हिंसा से मुक्ति दिलाने के लिए 21वीं सदी की है विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, कमल के निशान पर बटन दबाना है। याद रखिए, 8 फरवरी को छुट्टी नहीं है। राष्ट्र विरोधी राजनीति करने वालों की छुट्टी करने का ये दिन है। आप भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर खुद भी आइए और अपने साथियों को भी लाइए। भाइयों बहनों, 8 फरवरी को ठंड अगर ज्यादा भी हो फिर भी आपको सुबह जल्दी जल्दी वोट करवाने के लिए निकलना है। करोगे ना? पक्का? घर घर जाओगे? मतदाताओं से मिलोगे? 8 तारीख तक एक एक घर छान मारोगे? हर एक को नमन करके सत्य समझाओगे? गरीबों का भला करने के लिए विश्वास दिलाओगे? उनको वोट करने के लिए बूथ पोलिंग ले जाओगे? एक भी पोलिंग बूथ हारेंगे नहीं, आपका संकल्प है। हर पोलिंग बूथ मजबूत होगा, हर पोलिंग बूथ विजयी होगा। भाइयों बहनों, आपका पोलिंग बूथ जीत गए तो दिल्ली भी जीत गए और 21वीं सदी का दिल्ली भी बना के रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इन सभी साथियों को, पीछे वालों को खड़े होने दीजिए, उम्मीदवारों को, सभी उम्मीदवार आ जाएं, सभी उम्मीदवार आ जाएं। आप सब इतनी बड़ी तादाद में हमारे इन साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।